ओके स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 2 साइंस 2 लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक बचा था। हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस मियोसिस। माइटोसिस में दो स्टेप होते हैं माइटोसिस के, क्रियोकिनेसिस साइटोकिनेसिस। क्रियोकिनेसिस के चार स्टेप है, पहला प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज, उसके बाद आता है साइटोकिनेसिस, और साइटोकिनेसिस में के बाद हमको दो नए डॉटर सेल मिलते हैं। पेरेंट सेल भी डिप्लॉयड होता है और डॉटर सेल भी डिप्लॉयड होता है, यानी उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो 46 46 ही होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं दूसरे टाइप का सेल डिवीजन जो है मियोसिस। मियोसिस कौन से सेल में होता है? अकर्स इन जर्म सेल, ठीक है, जर्म सेल में होता है। जर्म सेल कहां पर होते हैं? जर्म सेल आर फाउंड इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जर्म सेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाए जाते हैं। थर्ड, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? ओवरीज। मियोसिस वाला सेल डिवीजन क्यों होता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स कितने तरीके के होते हैं? गैमेट्स दो तरीके के होते हैं, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। ओके, क्या पढ़ रहे हैं हम? मियोसिस सेल डिवीजन का दूसरा टाइप। कौन से सेल में होता है? जर्म सेल। जर्म सेल कहां पर पाए जाते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऑर्गन में। मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं? टेस्टिस। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं? ओवरीज। ये मियोसिस क्यों होता है? गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए। गैमेट कितने टाइप के होते हैं? दो, स्पर्म एंड ओवम। ओके, अब मियोसिस वाला जो सेल डिवीजन होगा वो बच्चों दो स्टेप में होगा। कितने स्टेप में होगा? दो स्टेप में होगा। मियोसिस वाला सेल डिवीजन का प्रोसेस कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? दो स्टेप में कंप्लीट होगा। और वो दो स्टेप के नाम क्या है? एक को हम बोलते हैं मियोसिस वन और दूसरे को हम बोलते हैं मियोसिस टू। मियोसिस वाला सेल डिवीजन कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? दो स्टेप में कंप्लीट होगा, मियोसिस वन मियोसिस टू। अब मियोसिस वन के दो स्टेप है। मियोसिस वन कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? दो स्टेप में कंप्लीट होगा। और वो दो स्टेप कौन से हैं? कैरियोकिनेसिस वन
साइटोकिनेसिस वन। समझ में आ रही है बात? मियोसिस वन कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? दो स्टेप में कंप्लीट होगा। कैरियोकिनेसिस वन, साइटोकिनेसिस वन। ठीक उसी तरह मियोसिस टू भी दो स्टेप में कंप्लीट होगा। और वो दो स्टेप कौन से हैं? कैरियोकिनेसिस टू, साइटोकिनेसिस टू। मियोसिस वाला सेल डिवीजन दो स्टेप में कंप्लीट होगा, मियोसिस वन मियोसिस टू। मियोसिस वन दो स्टेप में कंप्लीट होगा, कैरियोकिनेसिस वन साइटोकिनेसिस वन। मियोसिस टू भी दो स्टेप में कंप्लीट होगा, कैरियोकिनेसिस टू साइटोकिनेसिस टू। हमने माइटोसिस पढ़ा था, कैरियोकिनेसिस में क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन होगा। साइटोकिनेसिस में क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। क्रायोकिनेसिस वन में क्या होगा? न्यूक्लियर डिवाइड होगा। साइटोकिनेसिस वन में क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ठीक उसी तरह यहां पर भी कैरियोकिनेसिस टू में क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन होगा। साइटोकिनेसिस टू में क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। मियोसिस सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस मियोसिस। माइटोसिस हो चुका है, आज मियोसिस खत्म करेंगे। मियोसिस कहां पर होता है? जर्म सेल में। जर्म सेल कहां पर पाए जाते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? टेस्टिस। फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवरीज। अच्छा, ये मियोसिस क्यों होता है? गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए। ग्रेमेट गैमेट दो तरीके के होते हैं, स्पर्म और ओवम। मियोसिस वाला सेल डिवीजन कंप्लीट होता है दो स्टेप में, मियोसिस वन मियोसिस टू। मियोसिस वन कंप्लीट होगा दो स्टेप में, कैरियोकिनेसिस वन साइटोकिनेसिस वन। मियोसिस टू भी कंप्लीट होगा दो स्टेप में, कैरियोकिनेसिस टू साइटोकिनेसिस टू। कैरियोकिनेसिस वन में क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन होगा। साइटोकिनेसिस वन में क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। कैरियोकिनेसिस टू में क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन होगा। साइटोकिनेसिस टू में क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। क्लियर है? अब कैरियोकिनेसिस वन, कैरियोकिनेसिस वन कंप्लीट होगा चार स्टेप में। कितने स्टेप में? चार। चार स्टेप। पहले स्टेप का नाम प्रोफेज वन, दूसरे स्टेप का नाम मेटाफेज वन, तीसरे स्टेप का नाम एनाफेज वन और चौथे स्टेप का नाम टेलोफेज वन। तुमको किसने पूछा कि क्रायोकिनेसिस वन कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? तो चार स्टेप में कंप्लीट होगा। प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन। साइटोकिनेसिस का कंप्लीट करने का कोई स्टेप नहीं है, वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होगा। फिर तुमको किसने पूछा कि कैरियोकिनेसिस टू कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? तो तुम क्या बोलोगे? चार स्टेप में कंप्लीट होगा। कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? पहला प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टेलोफेज टू। समझ में आ रही है बात? यस और नो? कैरियोकिनेसिस टू कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? चार स्टेप में कंप्लीट होगा। प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टेलोफेज टू।
ये जो मियोसिस टू है, ये जो स्टेप है, ये बिल्कुल सेम होगा माइटोसिस के जैसा। किसके जैसा? मियोसिस टू वाला जो स्टेप है वो पूरा सेम होगा किसके जैसा? यानी जो कुछ भी हमने माइटोसिस में पढ़ा है वो सेम टू सेम एग्जैक्टली किसमें होगा? मियोसिस टू में। लेकिन मियोसिस वन कंप्लीट अलग होता है, मियोसिस वन कंप्लीट अलग होता है। अब मियोसिस वन चार स्टेप में कंप्लीट होता है, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन। अब प्रोफेज वन, ये जो है प्रोफेज वन, ये कंप्लीट होगा, इसके कंप्लीट होने के भी स्टेप है, ये पांच स्टेप में कंप्लीट होगा। कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? आपको पांच स्टेप के मैं नाम लिखने जा रहा हूं। पहला, पहले स्टेप का नाम है लिप्टोटीन। क्या नाम है? लिप्टोटीन। दूसरे स्टेप का नाम है जाइगोटीन। क्या नाम है? जाइगो। तीसरे स्टेप का नाम है पैचीटीन। क्या नाम है? पैची। चौथे स्टेप का नाम है डिप्लोटीन। क्या नाम है? और पांचवे स्टेप का नाम है डाइकिनेसिस। क्या नाम है? मियोसिस में, मियोसिस में या मियोसिस वन में सबसे लंबा जो स्टेप है वो कौन सा है? प्रोफेज वन। कौन सा है? या फिर क्रियोकिनेसिस वन में जो सबसे लंबा स्टेप है वो कौन सा स्टेप है? प्रोफेज वन। क्योंकि प्रोफेज वन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है बच्चों? पांच स्टेप में कंप्लीट होगा। पहले स्टेप का नाम लिप्टोटीन, दूसरे स्टेप का नाम जाइगोटीन, तीसरे स्टेप का नाम पैचीटीन, चौथे स्टेप का नाम डिप्लोटीन, पांचवे स्टेप का नाम डाइकिनेसिस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि क्रियोकिनेसिस वन का सबसे लंबा स्टेप कौन सा है तो जवाब क्या आएगा? प्रोफेज वन। ध्यान से सुनना, क्रियोकिनेसिस वन में एग्जाम में तुमसे पूछेगा कि क्रियोकिनेसिस वन में जो सबसे लंबा स्टेप है वो कौन सा है? प्रोफेज वन। प्रोफेज वन के स्टेप के नाम बताओ। पहले स्टेप का नाम लिप्टोटीन, दूसरे स्टेप का नाम जाइगोटीन, तीसरे स्टेप का नाम पैचीटीन, चौथे स्टेप का नाम डिप्लोटीन और पांचवे स्टेप का नाम डाइकिनेसिस। हमारे सिलेबस में हमको ये पांच स्टेप पढ़ने हैं। कितने स्टेप पढ़ने हैं? पांच। प्रोफेज वन के पांच स्टेप डिटेल में पढ़ने हैं। मेटाफेज वन एक ही स्टेप में कंप्लीट होगा, एनाफेज वन भी एक ही स्टेप में कंप्लीट होगा, टेलोफेज वन भी एक ही स्टेप में कंप्लीट होगा। इनके कोई स्टेप नहीं है और इनको तुम्हें डिटेल में पढ़ना भी नहीं है। जब तुम हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो इसको डिटेल में पढ़ लोगे। लेकिन अभी हमारे सिलेबस के मुताबिक, 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में हमें सिर्फ प्रोफेज वन के ये पांच स्टेप अच्छे से समझ रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको सिंपल करके तुम्हें समझाऊं। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं स्टार्ट करूंगा। एक्सप्लेनेशन, प्रोफेज वन स्टेप।
अब प्रोफेज वन के स्टेप को मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जरा ध्यान से सुनना क्या प्रोफेज वन का जो पहला स्टेप है उसका नाम क्या है, लिप्टो, क्या नाम है, लिप्टोटीन, लिप्टोटीन, ठीक है। अब मैं बनाता हूं सेल, यह है सेल, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमेटिन फाइबर, और एक चीज होती है न्यूक्लियोलस, और एक चीज सेल के अंदर होती है सेंट्रियोल, क्या होता है, यही ऑर्गन का काम होता है प्रोफेज वन में। मैं इनके नाम दे देता हूं, ये सेंट्रियोल है जो पैर में है, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमेटिन फाइबर है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है ना बच्चों, अच्छा एक सेल में कितने क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, 46 क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, जिसमें से 23 पैटर्नल होते हैं और 23 मैटर्नल होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, हां ध्यान से सुनना, एक सेल में कितने क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, 46, जिसमें से 23 पैटर्नल होते हैं और 23 मैटर्नल होते हैं, यानी 23 क्रोमेटिन फाइबर बाप से मिले होते हैं और 23 क्रोमेटिन फाइबर मां से मिले होते हैं। पैटर्नल का मतलब होता है फादर और मैटर्नल का मतलब होता है, बच्चों बात याद रखोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार ये, स्टार्ट समझा तो एंड तक पहुंच जाओगे, तो इतना अच्छे से समझ लो, ठीक है। एक सेल में कितने क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, जिसमें से 23 क्रोमेटिन फाइबर पैटर्नल बाप से मिले होते हैं और 23 क्रोमेटिन फाइबर मैटर्नल मां से मिले, ठीक है। अब प्रोफेज वन का हम स्टेप नंबर वन पढ़ लें, ठीक है। स्टेप नंबर वन का नाम क्या है, लिप्टोटीन। अब इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में एक ही चीज होगी, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर क्या हो जाएंगे, कंडेंस होंगे, क्रोमेटिन फाइबर बिकम कॉम्पैक्ट, बिकम कॉम्पैक्ट का मतलब होता है थिक, क्या हो जाते हैं, लिप्टोटीन वाले स्टेप में क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होना शुरू होते हैं, और हमें अच्छे से पता है जब क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होता है तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, क्रोमेटिन फाइबर थिक हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट। तो लिप्टोटीन में सिर्फ इतना ही होता है और कुछ भी नहीं होता है,
सेंट्रियोल अपनी जगह पर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, न्यूक्लियरस भी रहता है, खाली के क्रोमेटिन फाइबर जो है ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, कंपैक्ट हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, यानी कि वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये था तुम्हारा लिप्टोटीन। अब लिप्टोटीन के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो है तुम्हारा जाइगोटीन। वो क्या है तुम्हारा? जाइगोटीन। अब जाइगोटीन स्टेप में क्या होता है वो ध्यान से सुनो। इधर फिर से मैंने सेल बनाया, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, ठीक है, सबसे पहला मैं नेमिंग दे देता हूं, उसके बाद समझा। ये सेंट्रियोल है, थोड़ा सा मूव होना शुरू हो गया पहले स्टेज के कंपैरिजन में। ये न्यूक्लियोलस है, दिख रहा है ना, गायब नहीं हुआ, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। ये क्या है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो पहले स्टेप में था क्या नहीं था? और यहां पर क्या हुआ, देखो ये दोनों का पैर बन गया, यस और नो? आया ना, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ। अब ये क्रोमोसोम है, अब ये क्रोमेटिन फाइबर नहीं है, ये क्या है, क्रोमेटिन फाइबर पूरा कंडेंस हो गया सेकेंड स्टेज में, वो किसमें, सेकेंड स्टेप में वो किसमें कन्वर्ट हो गया पूरी तरह से, क्रोमोसोम। फिर होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या बन रहा है सेकेंड स्टेप में, पैर हो रहा है। तो सबसे पहला मैं तुमको होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब बता दूं, क्रोमोसोम विथ सेम साइज शेप लेंथ जेनेटिक सीक्वेंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमो। समझ में आया, जिन क्रोमोसोम का साइज शेप लेंथ जेनेटिक सीक्वेंस सेम होता है उसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जाइगोटीन वाले स्टेप में होमोलोगस क्रोमोसोम का पैर बनता है, जाइगोटीन स्टेप में
होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या बनता है, पैर बनता है, और वो पैर को होल्ड करके रखने के लिए, वो पैर को होल्ड करके रखने के लिए क्या बन जाता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है, इस पैर को होल्ड करके रखने के लिए। अगर ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो ये पैरिंग भी नहीं होगी, क्योंकि क्रोमोसोम इधर उधर 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 जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो पैर बनाने के लिए, होमोलोगस क्रोमोसोम को का पैर बनाने के लिए क्या डेवलप होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रही है? यस और नो? ये है तुम्हारा दूसरा स्टेप, जाइगोटी। अब इसको थोड़ा डिटेल में लिखा देता हूं कि क्या होता है। पॉइंट नंबर वन क्या लिखोगे कि जाइगोटी वाले स्टेप में होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, ठीक है, दिस पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्सिस। इस पेयरिंग को क्या बोलते हैं, ये पेयरिंग को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। और क्या लिखोगे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डेवलप टू होल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को होल्ड करने के लिए क्या डेवलप होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो पहला मैं लिखा देता हूं फिर समझाता हूं, ईच क्रोमोसोम क्रोमेटिड, क्या बोल रहा है, ईच क्रोमोसोम क्रोमेटिड, हर क्रोमोसोम का क्रोमेटिड। अब क्रोमेटिड किसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटिड, क्या बोलते हैं इसको, ईच क्रोमोसोम क्रोमेटिड आर्म्स डिवाइड एंड फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्रार्स। ईच क्रोमोसोम क्रोमेटिड, हर क्रोमोसोम का क्रोमेटिड का आर्म, क्रोमेटिड का आर्म क्या होता है, डिवाइड होता है, और वो एक स्ट्रक्चर बनाता है। किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, या तो बाइवेलेंट या फिर टेट्रार्स, या तो बाइवेलेंट या फिर टेट्रार्स। देखो अब तक हमने प्रोफेज वन की दो स्टेप देख ली। पहला स्टेप क्या देखा, लिप्टोटी। इस स्टेप में क्या हुआ, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होना स्टार्ट हो गया, यानी क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, बस यही था लिप्टोटी। दूसरा स्टेप हमने क्या पढ़ा, जाइगोटी। इसमें क्या हो गया, क्रोमोसोम पूरी तरह से बन गया, ठीक है। फिर होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या बन गया, पैर बन गया। उस पैर को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। उस पैर को होल्ड करके रखने के लिए क्या डेवलप होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और हर क्रोमोसोम का क्रोमेटिड आर्म डिवाइड होता है और वो स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, बाइवेलेंट या फिर टेट्रा। बाय का मतलब टू, टेट्रा का मतलब होता है फोर, टेट्रा का मतलब होता है फोर, बाय का मतलब होता है टू, टेट्रा का मतलब होता है फोर। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा है, बाय। देखो आर्म कितने आर्म्स जो डिवाइड हुए, दो पार्ट में डिवाइड हुए, ये आर्म दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा है, बाइवेलेंट। कैसा है, कैसा है, बाइवेलेंट।
अगर चार आम आम के ये क्रोमेटेड आम अगर चार इसमें डिवाइड, कितने इसमें डिवाइड हुए? चार, तो वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? मेन चीज याद रखने वाली बात, दोनों स्टेप में न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। इसमें सिर्फ क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हुआ, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया, इसमें है क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का पैर हो गया, और वो पैर को होल्ड करके रखने के लिए क्या डेवलप हुआ? सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स। कितने स्टेप हो गए प्रोफेज प्रोफेज वन के? पहला स्टेप का नाम क्या है? लिप्टोटीन। दूसरे स्टेप का नाम क्या है? जाइगोटीन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? पैचिटीन। कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? अब इसमें कुछ अलग चीज होगा, हर स्टेप में कुछ ना कुछ अलग तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसमें क्या होगा, उसके लिए जरा मैं ये मिटा देता हूं। ठीक है, स्टेप नंबर थ्री है पैचिटीन। कौन सा स्टेप है? पैचिटीन। अब ये स्टेप में क्या होगा ध्यान से देखो, फिर से मैंने बनाया सेल, फिर बना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आया न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूं, कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। यहां पे हमने क्रोमोसोम के आम कितने लिए थे? दो। अब और अच्छे से समझाने के लिए मैंने कितने आम लिए? ये क्रोमोसोम के कितने आम है? चार। और ये क्रोमोसोम के कितने आम है? चार। तो ये बाइवेलेंट हुआ या टेट्राड हुआ? टेट्राड। ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, बाप से मिला हुआ है, ये मैटर्नल क्रोमोसोम है, मां से मिला। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, एक चीज तो बताना भूल गया, सेंट्रियोल। ठीक है, ओके, अब यहां पर लिखता हूं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर ऑफ होमोलोगस, यानी अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर, उनके बीच में क्या हो रहा है, यानी अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा, एक्सचेंज होगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगा? अभी इस पॉइंट पे, पहले इस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना, आया ना, इस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना, यस और नो? इसको क्या बोलते हैं? कियास्माटा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, अच्छा, अब ये न्यूक्लियोलस का क्या होगा? ये न्यूक्लियोलस है ना,
न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग. अब न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा. न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा. समझ में आ नहीं पा. तो पैचेटिन वाले स्टेज में क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर. जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, टीएस माटा. न्यूक्लियोसोम डिसअपियर होना स्टार्ट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज इट इज ही रहेगा, ठीक है, वो पूरी तरह से डिसअपियर नहीं होगा. क्लियर है इतना पक्का. अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं. क्या होगा वो देखते हैं. क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. क्या लिख रहा हूं मैं, क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिस अपियरिंग. न्यूक्लियोलस डिस अपियर होना स्टार्ट हो जाएगा. पॉइंट नंबर थर्ड, बस इसमें दो चीज है. अच्छा तो बोलो कि सर ये क्या लिखा है तुमने, व्हाट इज दिस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, सर ये क्या होता है. चलो अब इसको समझो. ये क्रोमोसोम है, ये क्या है, क्रोमोसोम, ठीक है. ब्लैक में बना है तो याद रखना वो पैटर्नल है, बाप से मिला हुआ है, और रेड में बना हुआ तो वो मैटर्नल है, मां से मिला हुआ है. ये भी क्रोमोसोम है, ठीक है, ओके. ये क्या है, क्रोमैटिड, और ये भी क्या है, क्रोमैटिड. अब ये वाला तो ये भी क्रोमैटिड है, ये इसके लिए ये क्या बन जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड. क्या बन जाएगा ये, सिस्टर क्रोमैटिड. और इसके लिए ये क्या बन जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है. लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड होंगे क्या, नहीं, ये होंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. तो जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना बच्चों, वो सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में हो रहा है या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कियास, ठीक है. तो ये हो गया तुम्हारा पैचेटिन. क्लियर है पक्का. सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का मतलब समझाना. अब नेक्स्ट स्टेप आता है पैचेटिन के बाद, क्या आता है, डिप्लो डिप्लो सेल बनाया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाया, सेंट्रियोल बनाया,
डिप्लोटीन वाले स्टेप में क्या होगा? यहां पर एक चीज बनाना भूल गया था मैं, ये क्या था अपना सिनेप्टोलेमन कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोलेमन कॉम्प्लेक्स कौन से स्टेज में बना था? ज़ाइगोटिक। फिर वो पैचेटिन स्टेज में भी देखा गया? यस। ओके। क्या इस स्टेप में सिनेप्टोलेमन कॉम्प्लेक्स में दिखाई दे जाएगी? सिनेप्टोलेमन कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व वो क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है? न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपीयर। ओके, थर्ड स्टेज में क्या हुआ था? क्रॉसिंग ओवर हो गया। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स। स्टेप नंबर थर्ड पैचेटिन में क्रॉसिंग ओवर हो गया था, मतलब वो एक दूसरे से मिल। ओके, हम पढ़ रहे थे कौन सा स्टेप? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन वाले स्टेप में क्या हुआ? न्यूक्लियस गायब हो गया, सिनेप्टोलेमन कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया। क्रॉसिंग ओवर में पैचेटिन वाले स्टेज में वो पूरे सारे क्रोमोसोम क्या हो गए थे? क्रॉस हो गए थे, एक दूसरे से चिपक गए थे। तो पैचेटिन वाले स्टेज, डिप्लोटीन वाले स्टेप में वो एक दूसरे से क्या हो गए? सेपरेट हो गए। सिर्फ कौन सा पॉइंट सेपरेट नहीं हुआ? क्रॉसिंग ओवर वाला पॉइंट सेपरेट नहीं हुआ, क्रॉसिंग ओवर वाला पॉइंट सेपरेट नहीं हुआ, बाकी सारे वो सेपरेट हो गए। स्टेप नंबर वन लिप्टोटीन, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो गए, क्रोमोसोम बना। स्टेप नंबर टू जाइगोटीन, होमोलोगस क्रोमोसोम का पैर बना, पैर को होल्ड करने के लिए सिनेप्टोलेमन कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ। स्टेप नंबर थ्री पैचेटिन, होमोलोगस क्रोमोसोम का पैरिंग हुआ। ठीक है, स्टेप नंबर फोर डिप्लोटीन, न्यूक्लियस डिसअपीयर हो गया, सिनेप्टोलेमन कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया, क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो गए, सिवाय कौन से पॉइंट के? क्रॉसिंग ओवर वाले पॉइंट। क्रॉसिंग ओवर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? कियाज माटा। ठीक है, तो चार स्टेप हो गए, अब एक ही स्टेप बचा, कौन सा? डाइकिनेसिस। प्रोफेस वन का लास्ट स्टेप कौन सा है? डाइकिनेसिस। अब स्टेप में क्या होता है? सेल है, सेंट्रीओल अपोजिट पोल पर आ गया, मतलब डाइकिनेसिस लास्ट स्टेप में क्या क्या गायब हो गया? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
क्या हो गया? गायब हो। स्पिंडल फाइबर आ गया सबसे पहला, सेंट्रियल अपोजिट पोल पे पहुंच गए। सेल के अपोजिट पोल पे सेंट्रियल पहुंच गए, ये क्या है? सेंट्रियल है, अपोजिट पोल पर आ गया, ये भी सेंट्रियल है, अपोजिट पोल पर आ गया। स्पिंडल फाइबर आ गया, स्पिंडल फाइबर जनरेट हो गया दो सेंट्रियोल के बीच में। और क्या हो रहा है? कीएस मार्ट अभी गायब हो गया, यानी क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट गायब हो गया। आया ना? अब तुम ध्यान से देखो तो ये तो पैटर्नल था और ये इसके ये क्रोमेटिड को देखो ऊपर वाले पार्ट पर रेड है और इधर भी रेड है, इसके पास इधर ब्लैक है और इधर क्रॉसिंग ओवर हुआ था ना, मतलब अब क्या हुआ? इनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गया, यानी इसके पास मां का डिटेल आया और इसके पास बाप का डिटेल आ गया। यह कौन सा स्टेप है? डायजेनेसिस। प्रोफेस वन कितने स्टेप में कन्वर्ट कंप्लीट होता है? पांच। लेप्टोटी, जाइगोटी, कैचेटी, डिप्लोटी, डायजेनेसिस। एक बार ब्रैकेट इधर डाल दो। इसमें क्या होगा? क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा। इसमें क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम का पैर बनेगा, वो पैर को होल्ड करने के लिए क्या डेवलप होगा? सिनेप्टेनमल कॉर्टेक्स। पैचेटीन में क्या होगा? पैचेटीन में क्रॉसिंग ओवर होगा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। डिप्लोटीन में क्या होगा? डिप्लोटीन में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा, गायब हो जाएगा, न्यूक्लियस कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा और होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। सिर्फ कौन सा पॉइंट सेपरेट नहीं होगा? क्रॉसिंग ओवर वाला पॉइंट। और क्रॉसिंग ओवर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? कीएस मारा। डायजेनेसिस लास्ट स्टेप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर पहुंच गया, उनके बीच में स्पिंडल फाइबर जनरेट हो गया, कीएस मैटर डिसअपियर हो गया। यहां पर कंप्लीट होता है तुम्हारा प्रोफेज वन। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? मेटाफेज वन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? एनाफेज वन। उसके बाद क्या आएगा? टीलोफेज वन, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? तुम्हारे को दो न्यूक्लिया मिलेंगे। क्या मिलेंगे? न्यूक्लिया। ऐसा हो जाएगा सर, अपने टीलोफेज वन की बात बता रहा, ठीक है। टीलोफेज वन कंप्लीट होने के बाद सेल कुछ इस तरीके का होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया, न्यूक्लियोलस वापस आ गया, क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? इसके बाद क्या होगा?
इसके बाद ये सेल फॉलो हो जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, जाते 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 क्या हो जाएगा, वो कितने पार्ट में हो जाएगा भाई, एक सेल बन गया, ये दूसरा सेल बन गया, तो कितने डॉटर सेल मिले, दो। अच्छा अब इसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे, इसमें जो क्रोमेटिन फाइबर होगा वो कितना होगा 23, इसमें जो क्रोमेटिन फाइबर होगा वो कितना होगा 23, इसलिए ये जो दो नए सेल बने ये डिप्लॉयड हुए या हैप्लॉयड हुए, हैप्लॉयड, क्या हुआ हैप्लॉयड, स्टार्ट में इसके बाद 46 क्रोमोसोम थे, ये एक सेल इतने सारे स्टेप के बाद डिवाइड हुआ कितने सेल में, क्या इसके पास 46 क्रोमेटिन फाइबर है, क्या इसके पास 46 क्रोमेटिन फाइबर है, नहीं, कितने इसके पास, इसके पास कितने, तो ये डिप्लॉयड हुआ या हैप्लॉयड हो गया, यहां पर कंप्लीट होगा तुम्हारा मियोसिस वन, अब इसके बाद क्या आएगा मियोसिस टू, मैंने ऑलरेडी बताया मियोसिस टू एग्जैक्ट कॉपी है माइटोसिस की, अब क्या होगा मालूम, अब इसके दो सेल बनेंगे और इसके दो सेल बनेंगे, इसने भी 23 ही क्रोमेटिन फाइबर रहेंगे, यानी गौर करो एक पेरेंट सेल से लास्ट में कितने डॉटर सेल बने, चार डॉटर सेल बने, और मियोसिस माइटोसिस में क्या हुआ था, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं और दोनों भी डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन यहां पर एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल बने, लेकिन डॉटर सेल डिप्लॉयड निकले या हैप्लॉयड निकले, हैप्लॉयड निकले, ये था तुम्हारा मियोसिस वाला सेल डिविजन। लिप्टोटीन याद रखना, पहला जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डायगेनेसिस, प्रोफेज वन कंप्लीट, फिर आएगा मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन, टेलोफेज वन कंप्लीट, फिर आएगा साइटोकिनेसिस वन, साइटोकिनेसिस वन कंप्लीट होगा, ये दो नए डॉटर सेल मिलेंगे, अब ये दो नए डॉटर सेल पर मियोसिस टू का काम होगा, मियोसिस टू एग्जैक्ट कॉपी है माइटोसिस की, ठीक है, फिर ये दो डॉटर, ये दो सेल से हमें चार डॉटर सेल मिलेंगे, ये चारों भी क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मियोसिस टू एग्जैक्ट कॉपी है माइटोसिस की, क्योंकि माइटोसिस में क्या हुआ था, पेरेंट के पास 46 क्रोमोसोम थे या 46 क्रोमेटिन फाइबर थे, तो डॉटर सेल के पास भी कितने आए, 46 46, अच्छा अब यहां पर देखो मियोसिस वन के बाद कितने सेल मिले तुमको, ये एक सेल कितने डॉटर सेल बना रहा है, और ये एक सेल कितने डॉटर सेल बना रहा है, माइटोसिस जैसा ही, एक सेल से दो डॉटर सेल बनते, माइटोसिस जैसा ही है ना, ठीक, इसमें इसमें कितने क्रोमेटिन फाइबर थे, 23, तो इसमें भी कितने रहेंगे, इसमें भी कितने रहेंगे, बिल्कुल माइटोसिस वाला, इसमें कितने क्रोमेटिन फाइबर थे, इसमें भी कितने रहेंगे, इसमें भी कितने रहेंगे, माइटोसिस वाला, यहां पर कंप्लीट होता है तुम्हारा बच्चों चैप्टर सेल डिवीजन, ये था पूरा मियोसिस, टेक्स्ट बुक में मियोसिस का ये स्टेप दिया हुआ नहीं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ प्रोफेज वन, तो प्रोफेज वन के चार पांच स्टेप, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डायगेनेसिस, पांच स्टेप पूछे, बात समझ में आ रही, मियोसिस कंप्लीट होता है दो स्टेप में, मियोसिस वन, मियोसिस टू, मियोसिस टू एग्जैक्ट कॉपी है माइटोसिस का, मियोसिस वन अलग है, मियोसिस वन में जो सबसे बड़ा स्टेप है वो है प्रोफेज वन, प्रोफेज वन के कितने स्टेप, पांच, हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, लिप्टोटीन में क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होता है, कितने क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, 26, 23 बाप के 23 मां, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा, फिर होमोलोगस क्रोमोसोम का पैर बनता है, होमोलोगस क्रोमोसोम यानी वो क्रोमोसोम जिनका लेंथ, साइज, शेप, जेनेटिक सीक्वेंस सेम होता है, उनके पैर को होल्ड करने के लिए बनता है सिलेक्टोनिमल कॉम्प्लेक्स,
अब वो पहले का होता है क्रॉसिंग, उसको बोलते हैं जायगोटी। फिर क्रॉसिंग के बाद क्रोमोसोम सेपरेट होगा, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी क्रॉसिंग जो होता है वो पैचिंग। फिर क्रॉसिंग के बाद वो क्रोमोसोम सेपरेट होगा, डिप्लोटी। फिर एट लास्ट डाइगेनेसिस, इसमें क्रोमेटिक तुम्हारा स्पिंडल फाइबर आता है, सेंट्रल अपोजिट पोल पर पहुंच जाता है, कियास माटा डिसअपीयर हो जाता है। कियास माटा क्या है, क्रॉसिंग ओवर वाला जो पॉइंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कियास माटा। पेरी को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। पेरी को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। पेरी को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। इससे ज्यादा डिटेल में और तुमको समझने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। और डिटेल में 11th 12th में जब बायोलॉजी लोगे तो इससे डीप में पढ़ोगे, लेकिन अभी तुम्हारे सिलेबस में जितना था उतना मैंने तुम लोगों को बता दिया। एक इंपॉर्टेंट बात, माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं, दोनों भी डॉटर सेल डिप्लॉयड। मियोसिस में एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल बनते हैं, बनते ना फाइनली चार डॉटर सेल, और चारों डॉटर सेल डिप्लॉयड नहीं होंगे, कैसे होंगे, डिप्लॉयड मतलब 2n, हैप्लॉयड n, 2n मतलब 46, n मतलब 20। क्लियर, ठीक है। अब कल हम स्टार्ट करेंगे साइंस वन, साइंस वन का चैप्टर नंबर 3 हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।